गंग गणपते नमः। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे भक्तों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद मास की गणेश संकष्टी व्रत कथा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्यों चंद्रमा देखना आज के दिन वर्जित होता है, क्यों नहीं देखना चाहिए आज के दिन चंद्र दर्शन, क्यों नहीं करना चाहिए इसके पीछे का रहस्य, और अगर आपने चंद्र दर्शन कर लिया है तो क्या बोले जिसकी वजह से आपको वो पाप का फल ना मिले या वो कलंक ना लगे। भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के घर परिवार पे गणेश भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी की पूजा आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष दिन होता है। इस साल 7 सितंबर 2024 को गणेश संकष्टी के दिन चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। गणेश संकष्टी तिथि आरंभ हो जाएगी। वैसे तो 5 तारीख को ही तृतीया है और तृतीया के बाद ही चतुर्थी लग जाएगी। 6 सितंबर 2024 को दोपहर 12:17 पे लग जाएगी। इसका समापन अगले दिन दोपहर 1:34 पे होने वाला है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे 7 सितंबर को और पूजा का मुहूर्त रहेगा 11 से दोपहर 1 के बीच में। शुभ मुहूर्त है तो आप उस समय पूजा अवश्य करिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूजा का मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि, गणेश भगवान को कैसे लेके आए और एक छोटा सा दुर्बा का उपाय भी आपको बताया है। तो चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है, वीडियो मिस हो गई है तो उसे भी देख लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत को सुबह सुबह आप उठें, व्रत का संकल्प करें, सफ़ेद तिल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मध्याह्न यानी दोपहर में जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन दोपहर में गणेश जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा के लिए आप अपने क्षमता अनुसार चांदी, सोने या मिट्टी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अब पूजा के शुभ मुहूर्त पे पूजा आरंभ करें। हाथ में पास और या दुर्बा लेकर के ही पूजा करनी चाहिए। सिद्धि विनायक गणपति बप्पा का ध्यान करें। एकाग्र चित्त मन से आप पूजा करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। आवाहन करने के बाद गणेश जी को 2 लाल वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गणेश भगवान पे इत्र, फल, पान, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। आपके सामर्थ्य अनुसार आप नैवेद्य बना सकते हैं गणेश भगवान को। उसके बाद गणेश भगवान को 21 दुर्बा अर्पण करें। इसके बाद अक्षत के साथ 2 दूल लेकर के यानी दुर्बा लेकर के उनके प्रत्येक नामों का उच्चारण करें, अलग अलग उनके नामों का उच्चारण करें। उसके बाद उनको शुद्ध देसी घी का बना हुआ 21 लड्डू अर्पण करना चाहिए। पूजा के बाद 10 लड्डू को ब्राह्मण को दान कर दें। 10 लड्डू प्रसाद के रूप में रख लें और शेष लड्डू को गणेश जी के समक्ष नैवेद्य के रूप में आप रख दें। अगर संभव हो तो इस दिन ब्राह्मण को भी भोजन कराएं, नैवेद्य अर्पण करें उन्हें और कुछ दक्षिणा इत्यादि भी दें। गणेश चतुर्थी के दिन मूंगफली, वनस्पति इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप शुद्ध देसी घी में खाना सारा बनाएं अगर संभव हो सके तो। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई थी। इस दिन स्नान दान और व्रत पूजन के कार्य बेहद ही शुभ फल देने वाले हैं। इस विशेष दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि से मिथ्या कलंकित होना पड़ सकता है। मिथ्या कलंकित का मतलब है आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव के दर्शन की मनाही है। यदि भूल के आपने चंद्रदेव का दर्शन कर लिया है, सिंह ने
प्रसन्नजीत को मार डाला और जामवंत को यमलोक भेज दिया। हे बेटा रो मत, तुम्हारी यममणि यह है। ऐसा कहना आपके लिए फलदायी होगा और इस बात को आप सत्य ही समझें। भोले से भी आज के दिन आकाश की तरफ ना देखें, जिससे आपको चंद्र दर्शन हो जाए। और हर दिन चंद्रमा के दर्शन करना सुफलदायी होता है। आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, परंतु बिना ऊपर देखे, यानी बिना चंद्रदेव को देखे, आप उन्हें जल समर्पित कर सकते हैं चतुर्थी के दिन। ये बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेदा सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो, धनोपराज में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की विधि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलेश बचाओ, भाई भाई में परस्पर झगड़ा अलगाव, बाता सुनी और कहा सुनी से कैसे बचा जा सकता है, उद्योगार्जन वाणिज्य व्यापार कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इस सब बातों की आप विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडव की सेना युद्ध के लिए सनत्र हुए, तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की पूजा आराधना करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे वीर, पार्वती जी की मैल से उत्पन्न गणेश की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित ही है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सब सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। राजन युधिष्ठिर, यदि आप श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा आरंभ कर दीजिए। व्रती को प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करना चाहिए। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाएं। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा भी बनवावे। यदि ऐसा भी न संभव हो तो मिट्टी की मूर्ति बनवावे, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कुपड़ता ना करें, यानी कि आपके पास है फिर भी आप मिट्टी की मूर्ति ना बनवाएं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो ये ही वर विनायक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। अतः भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले सूप के समान विस्तृत, कान वाले हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें, पंचामृत से स्नान करने बाद शुद्ध जल से स्नान करावे, तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं। आवाहन करके पात्र अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्र में सोना रखकर अथवा रुपया अठन्नी आदि चढ़ावे। इसके बाद जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिपति,
बृहस्पति, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशान नंदन, हे सर्वाधि सिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूसक वाहन, हे स्कंद कुमार, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोरी, फूल एवं अक्षत के साथ दो दो दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दुर्बा अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपको बारंबार विनती करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू हाथ में ले कुरुकुल दीप कहकर गणेश जी के आगे रख दे। इसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दे और 10 लड्डू अपने भोजन के लिए निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में चढ़ा दे। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजा अवश्य करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति भरे आदि के इस्तेमाल ना करें। धो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न विनायक के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों को भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन में चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्तिपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान दान उपवास पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का नित किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, अभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल के चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे, सिंह ने प्रसन्नजीत को मार डाला और जांबवंत ने सिंह को यमलाय भेज दिया है, यमालय भेज दिया है, ऐसा कहे। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी मनक मणि यह है। अब आपको सुनाते हैं स्वयं मनक मणि की कहानी। नंदीकेश्वर कहते हैं, आप लोग तदचित होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर आदि नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंक समय एवं विघ्न विनायक हर लेते हैं। सुन, सान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधी मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विशुद्ध एवं गणेश जी को परम प्रिय है। संत कुमार से पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मत्स्य लोक में किस तरह हुआ। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदीकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके सर्वनाथ नारद जी ने उनके इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया, हे नंदीकेश्वर, श्री कृष्ण जी सटगुण ऐश्वर्य युक्त भगवान
है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक है। अव्यय, अपरमेय, निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घट घट वासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, इस बात बहुत ही विषमकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहते हैं, पृथ्वी का भ्रमने के लिए भगवान पद्मनाभम विष्णु हलधर बलराम जी ने वसुदेव पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंघ के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा आदि समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारिकापुरी बनवाई और पुरी में 16,000 रानियों के निवास के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित करवाया। उन रानियों के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोहण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया। जहाँ जनता शांतिपूर्वक बसती थी, त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के त्राजीत और प्रसेन नामक दो पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजीत तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। सत्राजीत स्तुति करने लगे कि हे तेज पुंज, हे स्वतः प्रकाशमान, हे काश्यमे पेय, हे हरि दक्ष, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रह राज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्री स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजीत की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजीत से शांत गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवताओं को भी अप्राय है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कण से मणिक उतार कर उसे दे दिया। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह मणिक प्रतिदिन 8 बार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजीत, अशौचा अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके ताजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हैं। हे राजन, उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उनके तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि के चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजीत है जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजीत के कंठ में स्वयं मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण मुझसे यह मणि मांग न ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए भी सावधान कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनजीत उस मणि को पहनने
हुए ही कृष्ण के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचित के कारण आरूढ़ प्रसन्नचित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवंत ने मार डाला। जामवंत ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर कृष्ण अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसन्नजीत की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करणीय न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण के मन में बहुत ही सना ताप हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसन्नजीत सिंह द्वारा मृतक होकर पड़े हुए हैं। वारी के साथ प्रसन्नजीत के पद चिन्हों के सहारे वहां गए जहां छत्र ने सिंह को मारा था। रक्त बूंद के धारा आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। छत्र राज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था। अतः अजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार का निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहा था। बालक के उस खिलौने का स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नैनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बालक को देखकर कृष्ण जी से विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो। देखो प्रसन्नजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार कर यह स्वयं मणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बाला काम तुर होकर धीरे धीरे प्यार की बारी बात करने लगी। मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहां से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पांच जन शंख बजाने लगे और शंखनाद से छत्रराज घबरा कर उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवंत में परस्पर तुम युद्ध होने लगा। इस दृष्टि से सभी नारियां चित कार्य करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मित्र समझकर सातवें दिन द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनके मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण छत्र राज से 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण के ने छत्र राज के युद्धांत को छीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवंत ने भगवान को पहचान लिया। जामवंत कहने लगे कि मैं सभी देवों देवताओं यक्षों नागों गंधर्वों पिशाचों और मरुद्गणों से अपार जे हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है, किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसके किंचित रोष से घड़ियाल मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाव सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी दुष्टता
के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांध कर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का आपने बाणों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम हैं। हे महाराज, जब जामवंत ने पहचान लिया तो उन्हें देवकी नंदन श्री कृष्ण कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण छत्र राज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे छत्रराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामवंत ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जामवान को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जामवंत ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवंत के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्साह मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुवर्धमा सभा अर्थात यादों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाई। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सताजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सभी सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सताजीत बुद्धिमान थे, मणिक पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सतभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत धनवा अक्रूर आदि दुर्षित हृदय वाले यादों ने मणि के कारण सताजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सतधर्मा और सताजीत की हत्या करके मणि अपने हाथ में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सतभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। यह बात नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कुलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, सतधर्मा ने सताजीत का वध कर डाला, अतः अब मणि के साथ पलायित होने वाला है। सतधर्मा ने सताजीत की हत्या करके हम लोगों के मणि का अपहरण कर लिया। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह बात जब सत धनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर उस मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। उधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़े को मार डाला, तब वह पैदल ही भाग गया। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास से तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात बलराम ने रुष्ट होकर कहा, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया, तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पकड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की दृष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया।
ऐसे मिथ्यावाद के कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव बराबर देश विद्रभ की ओर चले गए और श्री कृष्ण रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी वापस लौट आए। श्री कृष्ण के लौटने पर द्वारिका वासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण ने अपने बड़े बलराम भाई को द्वारिका से बाहर निकाल अच्छा काम नहीं किया है। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकावाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूम भी तीर्थाटन के लिए द्वारिका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु ज्ञान किया और अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ग प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा धारण करते अक्रूर फल स्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ न तो कभी अकाल ही पड़ता और न ही व्याधि जनहित किसी रोग का ही प्रकोप होता। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देह धारी होने के कारण लोकाचार के लिए मायाविष्ठा में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम से विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे, अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण की इस चिंतातुर अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थी होकर आसन पर सुख पूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे, हे भगवान, आप खिन्न क्यों हो रहे हैं, यानी दुखी क्यों हो रहे हैं, आप किस चिंता में पड़े हुए हैं। हे प्रभु केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है, इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगने वाला कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सारग भरती वाणी में कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीय के चांद को लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय स्वरूप अर्थात अपने सुंदरतमय रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान और का विस्तार वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सद मुख वाले, हे गणपति के लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्तिपूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनकी सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें संशय नहीं है। जो देवता दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गण अध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदैव
विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं, ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्तिपूर्वक निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि के रचनाकार में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। इस यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी की अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी सत लोक में चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किए आकाश मार्ग से चंद्र लोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी को ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा, उसमें उनका लंबा सूड और लंबे दांत, भारी भयंकर तदो दिल पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विषमकारी रूप को देखकर ने से स्वरूप वर्णित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर स्वरूप रूप वाले, तुमको मुझे देखकर हंसी आ रही है। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, तुम मद पित हो रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा अपने मद में चूर हो रहे हो। फल तुम्हें बहुत जल्द ही भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण जी ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। उधर देवता ऋषि गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई। वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा का श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि उन देवताओं से कहा कि अरे हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई अन्यथा नहीं कर सकता है, न तो मैं ही कर सकता हूँ और न ही विष्णु इंद्रादि देव ऐसा निश्चित कर सकते हैं, जानिए। इसलिए हे देवताओं, आप उन्हीं की शरण में जाएं, वे ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतीव बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे, आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी की पूजा विशेषता कृष्ण चतुर्थी की रात्रि को यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी, मालपुआ और लड्डू, खीर, हलवा, बतासे का भोजन बनाएं और प्रसाद स्वरूप में उन्हें चढ़ाएं। दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण की प्रतिमा दे के अनुसार दक्षिणा दे। धन रखते हुए कृपणता करनी नहीं चाहिए। पूजन वितांत की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बात विधि विधान से सुना दी। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई अनुसार विधिवत गणेश जी का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रकट हो गए और अपने सम्मुख गणेश जी को देख करके चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवादि देव, जग निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गजानन, हे ब्रह्मा विष्णु पूजनीय, में
मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, मैं आपकी अर्थाशक्ति पूजा अर्चना करता हूँ। मैं मूर्ख हूँ, संसार में अभोगे हैं, मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा में विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा, मेरा दर्शन सभी लोग पूर्ववत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे पाप साप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा देवगढ़ अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवादि देव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें, यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के का विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त करें। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आपको अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो लोग भादो सुदी चौथ की चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन को की महत्ता का वर्णन किया है, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें एक वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भोगी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवादि पति, आप किस उपाय से प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा कीजिए। गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो लोग लड्डू आदि का भोग लगाकर मेरी पूजा करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण की प्रतिमा का पूजन करके कथा करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन करा के उन्हें दान देंगे, तो सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो भादो सुदी चौथ को मिट्टी को की ही प्रतिमा मूर्ति बनवावे। सोने के अभाव में मिट्टी की प्रतिमा का विधिवत सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करे, फिर प्रसन्न मन के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे। विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित विधान द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करे कि हे देव देव गणेश जी, आप हमारे सददान से प्रसन्न होकर आप सदैव सभी समय, हे देव, आप हमारे कार्यों की निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान धन धान्य पुत्र पौत्र देते रहें, हमारे वंश में विद्य करें गुड़ी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न हो। आपके जैसे ही हमारे वंश में हमारे पुत्र उत्पन्न हो, तदंतर ब्राह्मण के यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू मालपुआ खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करावे एवं इच्छानुसार भोजन करा के इस प्रकार व्रत करने पर पूजन करे। सदैव विजय कार्य में सिद्धि धन धान्य विपुल संतति देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। जब तक नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने व्रत का अनुष्ठान किया, इस व्रत के करने से कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके स्वयं मणिक के उपाख्यान को सुनेगा, चंद्रमा के चरित्र का कथान सुनेगा, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा।
जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से भी हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करते हुए और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को ये की कलेश पहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उन्हें सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विघ्न विनायक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ ही मिल जाते हैं। इस प्रकार भाद शुक्ल गणेश चतुर्थी मनक मणि की कथा संपन्न हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर गणेश भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।